हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे सेल्फ थ्योरी 71 चैनल पे। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ओवरी के बारे में देखेंगे, जो फीमेल्स के अंदर होती हैं और कितनी टाइप्स की कह सकते हैं ये, कितनी नंबरिंग होती है इनकी और इनकी जो है साइज़ क्या होगा, शेप क्या होगी और देखा जाए इनका वेट कितना होगा, कमी से कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे डीप में और डिटेल में। तो एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आती जाए। तो सबसे पहले हम ये देखें, अगर ये ओवरीज हमारी जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएँ होती हैं, और इनमें कितनी होती हैं, ये होती हैं ट्यू। कितनी होती हैं ट्यू, और ये कैसी शेप में होती हैं, ये आपकी ओवल शेप में होती हैं, ठीक है। और ओवल शेप में होने की वजह से ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये आपके जो पेल्विक जो रीजन होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, समझ में आ गए ना। तो ये दोनों जो ओवरीज होती हैं ये साइज़ में एक मतलब छोटी बड़ी हो सकती हैं, बिल्कुल सेम ये नहीं होती हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो। देन हम ये देखेंगे इसका वेट कितना होता है। अगर मैं वेट की बात करूँ तो ये 4.8 इनका वेट होता है, ठीक है। और अगर मैं इनकी किसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी जो है लेंथ की बात करूँ तो वो होता है इसका 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है इनकी, ठीक है। अगर मैं इनकी अगर विड्थ की बात करूँ, अगर मतलब थिकनेस की, तो थिकनेस इनमें कितनी होती है, 1.5। थोड़ा छोटा लिख रहा होगा लेकिन आप, मैं बोलती हूँ तो उससे भी आप नोट डाउन कर सकते हो ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये थी इसकी क्या थी, ये थिकनेस और ये की वेट, इनको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। देन हम देखते हैं, ये तो थी थिकनेस, अब देखते हैं भाई ओबरी से कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं। अगर ओबरीज की बात करें, ये आपकी इस ये किससे बनी हुई होती है, अगर देखा जाए तो ये टू टिश्यूज़ होते हैं, कौन कौन से, फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज़। कौन से, यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्ट्रोमल एंड फॉलिकल्स टिश्यूज़, इनसे ये जो है बनी हुई होती हैं। अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करूँ ओवरीज़ के, कि भाई इनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, अब हार्मोन्स तो इनसे निकलेंगे तो 3 टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं। पहले समझ लो कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं आपके, जो है एस्ट्रोजन, फिर निकलता प्रोजेस्ट्रॉन, फिर निकलता रिलैक्सिन। अब देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टेरॉयल होता है और स्ट्रॉन और स्ट्रेडॉल, ये तीनों ये क्या है, ये फैटी एसिड है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो तीनों हार्मोन्स होते हैं ये कैसे होते हैं नेचर में, ये नेचर में कैसे होते हैं, स्टेरॉयड होते हैं, इट मीन्स ये फैटी एसिड के बने हुए हार्मोन्स होते हैं ये जो तीनों हार्मोन्स हैं, समझ गए ना। और ओवरीज होती हैं, ओवरीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये मीजोडर्म से हुआ है, कहाँ से हुआ है, मीजोडर्म से। और आपकी टेस्टिस जो होती है फीमेल, वो सॉरी मेल के अंदर, वो भी आपकी मीजोडर्म जो लेयर होती है भ्रूण की, एम्ब्रायो की। तो एम्ब्रायो जब आप माँ के गर्भ में होता हो उस समय क्या होता है कि उस समय जो भ्रूण होता है, भ्रूण की जो 3 लेयर्स होती हैं, तो वो जो मीजोडर्म जो लेयर होती है वहाँ से इसका ओवरी का क्या होता है, ओरिजिन होया। बात समझ में आई। देन हम देखते हैं, ये तो थी इसकी ओरिजिन की बात, अब देखते हैं भाई एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, जो महिलाएं होती हैं एस्ट्रोजन क्या फंक्शन करता है उनकी। पहली बात तो ये देखते हैं कि जो ओवरीज है, ओवरीज कौन सी एज पे ये जो है इन तीनों हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स का बनना शुरू हो जाता है हमारे अंदर, तो वो 11 से लेके 13 की एज में। जब आप 11 से या 13 वर्ष के हो जाओगे तो उस समय आपके क्या हो जाएगा, ये जो ओवरीज है बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या था, प्यूबर्टी का टाइम होता है। इस समय पे आपके जो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये कैसा ऑर्गन है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपकी बॉडी में, ठीक है। नोट डाउन कर लें कि कौन सी एज पे ये जो ओवरीज है बनना स्टार्ट करती हैं और आपकी बॉडी में इनके जो सीक्रेशन कब होता है, 11 to 13 एज पे, समझ में आई बात। देन देखेंगे भाई, भाई ये तो थी इनके हार्मोन्स की बात, अब एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है। एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन्स किसके कौन से हार्मोन की वजह से सीक्रेट होते हैं, LH हार्मोन और FSH हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। FSH का मतलब है जो है आपका फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH और LHS का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई देखो ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ये इन तीनों हार्मोन्स के सीक्रेशन में ओवरीज को क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, भाई हार्मोन को निकालो। तो ओवरी आपकी बॉडी में ओवुलेशन जो है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपके FSH जो हार्मोन होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होते हैं, जो अंडाशय होते हैं ओवरी के अंदर, वो किसकी वजह से बनते हैं, FSH हार्मोन की वजह से। बात समझ में आई।
तो देन हम देखेंगे इसको, भाई ये तो थी आपकी बॉडी में अंडाशय बन, और आपकी बॉडी में जो अंडाशय ओवरीज को हिंदी में कहते हैं अंडाशय, ठीक है। तो इसमें जो अंडा अंडे बनते हैं, अंडे को इंग्लिश में कहते हैं आपके ओव्यूम्स, तो वो ओव्यूम्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में कितने बनते हैं, एक मंथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अंडा ही जो है ओवरी से सीक्रेट होता है, समझ गए ना ये बात। और एक ही अंडा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल इट मीन्स पीरियड्स के टाइम आपकी बॉडी से जो है जो यूटेरस में जो अंडा आता है वो सिर्फ ओनली वन एग आता है, समझ गए ना इस बात को। और ये एक एग ही जो है एक मंथ में बन पाता है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। देन अब हम ये देखते हैं भाई, ये तो थी इसकी ओवरीज की बात। अब एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसका फंक्शन क्या, ये फंक्शन करता है आपकी बॉडी में आपके जो सेक्सुअल जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इट मींस आपकी जो सेक्स करने की कैपेसिटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है आपकी बॉडी में। जैसे आपकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ब्रेस्ट छोटी ब्रेस्ट के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। और देखा जाए अगर इसकी कमी हो जाए एस्ट्रोजन की बॉडी में तो क्या होगा, नपुंसकता हो सकती है महिलाओं में, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है सेक्सुअल जो कैपेसिटी होती है उसको मेंटेन करके रखता है। और ये हॉर्मोन्स होते हैं और फॉलिकल्स होती हैं उन सभी को ये बरकरार रखता है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये क्या करता है, हमारी जो यूटेरस की वॉल होती है वो क्या हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं रैप्चर हो जाती हैं पीरियड्स के टाइम, तो ब्लडिंग होने लगती है। तो आफ्टर सम टाइम 4 to 5 days के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद क्या होता है, जो एस्ट्रोजन जो ये हार्मोन होता है ये क्या करता है, उनको रिपेयर करने का काम करता है जो यूटेरस के अंदर जो आपकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन एक ये भी है, और ये क्या फंक्शन कर सकता है, ये आपकी बॉडी में जो आपकी वॉइस होती है, ठीक है, आपकी वॉइस जो है 11 to 13 years की एज में क्या हो जाती है, आपकी हाई पिच हो जाती है गर्ल्स की। हाई पिच का मतलब है उनकी आवाज़ जो है पतली हो जाती है, किस कौन से हार्मोन की वजह से, अब आप समझ लेना वो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन का आपको सारा फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रोजेस्टेरोन, इस एस्ट्रोजन हार्मोन को की वजह से जो व्यक्ति होते हैं वो हिजड़े भी हो जाते हैं, इस पॉइंट को भी आप याद सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है वो क्या हो जाते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, बात समझ में आई। अब देखते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसका फंक्शन है भाई ये कब निकलता है, ये हार्मोन जो है देखो आपके ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन निकल गया तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। मैं आपको बता रही हूँ निकलता कब है, आपकी पीरियड्स आ गए, पीरियड्स आने के बाद के 14 दिन बाद, पीरियड्स के 14 दिन बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है जो रैप्चर जो फॉलिकल्स थी ओवरीज के जो टिश्यू थे, फॉलिकल्स जो रैप्चर हो चुके थे, उन रैप्चर फॉलिकल्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, किसमें, मैं यहां लिख देती हूँ रैप्चर फॉलिकल्स कन्वर्टेड इंटू कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलते हैं, तो ये आपके कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, बात समझ में आई। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये आपके पीरियड्स के 14 दिन बाद निकलता है, ये समझ लेना। तो ये 14 दिन बाद जो ये निकलता है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को दूसरा हार्मोन भी कहते हैं, कौन सा हार्मोन, इसको कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, कौन सा हार्मोन बोलते हैं लिख लेना, प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हार्मोन इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये प्रेगनेंसी टाइम में जितना भी कुछ होता है बॉडी में डेवलपमेंट वो सभी किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लें पहले इसको, ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। देन अब हम ये देखेंगे भाई, ये बात तो थी प्रोजेस्टेरोन की, अब देखेंगे कि जो प्रोजेस्टेरोन है इसका फंक्शन क्या, ये करता है आपकी बॉडी में जब महिलाएं जब गर्भवती हो जाती हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, ये क्या करता है, आपकी जो यूटरस की वॉल होती है वहाँ पे ये जो न्यूट्रिशन होता है और जो फैटी एसिड होते हैं और ग्लूकोज होता है उनका जो है संचय जो है ये बढ़ा देता है आपके ब्लड के अंदर, यूटरस की वॉल्स के अंदर क्या होती है, देखो ये यूटरस की वॉल है तो यहाँ पे ब्लड की नलियाँ होंगी, इट मीन्स ब्लड कैपिलरीज होंगी, तो इन ब्लड कैपिलरीज में जो ट्रांसपोर्ट बढ़ा देता है ग्लूकोज और वशीय का, ताकि आपकी जो एम्ब्रायो है जो आपका जो बेबी है उसको क्या
प्रॉपर मात्रा में क्या मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये कौन सा काम, ये किसका काम है, ये आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये प्रेगनेंसी टाइम में क्या करता है, जो यूटरस की वॉल होती है वो यूटरस की वॉल को क्या कर देता है, ठीक कर देता है। बात समझ में आई। देन हम ये देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये तो थे इसके टू फंक्शंस, और इसका थर्ड फंक्शन है जो भी आपकी जो वॉल्स, जो आपकी फॉलिकल्स, जो टिश्यूज होते हैं जिनसे आपके क्या बनते हैं, जिनसे आपके ओव्यूम्स बनते हैं ओवरीज के अंदर। ओवरीज मैंने बताया था टू आपके टिश्यू से मिलकर बनी होती है, स्ट्रोमल टिश्यू और फॉलिकल्स टिश्यू। तो फॉलिकल्स टिश्यू जब वो मतलब अंडे बनाती है, अंडे बनाने के बाद वो कैसे हो जाती है, रैप्चर हो जाती है। तो रैप्चर फॉलिकल्स को रिपेयर करने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। बात समझ में आई। तो ये फंक्शंस किसके थे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के। अब थर्ड हार्मोन देख लेते हैं, ये है रिलैक्सिन हार्मोन। इसका फंक्शन है ये आपके जो जितने भी ये हार्मोन्स है, जैसे प्लेसेंटा से हार्मोन निकलते हैं और आपके कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन निकलते हैं, इन सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सेकेंड पार्ट और सुन ले, ये गर्भ में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूटरस की जो वॉल होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस समय पे जो संकुचन की जो क्रियाएँ होती है, ठीक है, जब डिलीवरी होती है, ठीक है, मदर की, तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो ये वॉल्स है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऐसे सुकड़ जाएंगी, फैल जाएंगी, ये कॉन्ट्रैक्शन की जो क्रिया होती है उसको रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। बात समझ में आई। तो ये थ्री हार्मोन्स थे। अब देखते हैं भाई, ये थ्री हार्मोन्स तो निकल गए, अब एक और हार्मोन्स है जो कि प्लेसेंटा से निकलता है, प्लेसेंटल हार्मोन। अब प्लेसेंटा हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एक है आपका HCG, ठीक है, दूसरा है आपका प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, स्ट्राडोल, देन है आपका प्रोजेस्टेरोन। अब ये फोर्थ प्रोजेस्टेरोन, अब ये फोर टाइप्स के हार्मोन कहाँ से निकल रहे हैं, आपके प्लेसेंटा से निकल रहे हैं। प्लेसेंटा पता क्या होता है, प्लेसेंटा इज अ टिश्यू। ये प्लेसेंटा टिश्यू क्या होता है, जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में वो वहाँ से जो है कनेक्टेड रहता है, ठीक है, यूम्बेलिकल कोड होता है जिसके थ्रू ये क्या करता है, माँ की जो नाभि होती है, ठीक है, नेवल होती है, वहाँ से इसको अटैच कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली बॉडी में जो है अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। और ये फिर जो बच्चे की नाभि होती है, नाभि से ये कनेक्टेड हो जाता है माँ की नाभि से, ताकि ये क्या कर सके, माँ के जो बॉडी है, इट मीन्स मदर जो बॉडी है, वहाँ से जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा टिश्यू के थ्रू ही जो है जितना भी न्यूट्रिशन लेता है बच्चा, वो सभी प्लेसेंटा जो टिश्यू है उसके थ्रू ही बच्चे के अंदर जाता है। बात समझ में आई। अब ये प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, HCG हार्मोन, इसकी फुल फॉर्म है आपकी ह्यूमन क्रॉनिकल गोनेडोट्रोफिन। आपको वर्ड्स अगर छोटे लिख रहे हैं तो मैं बोल दी, तो उनसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा छोट मतलब सही लिखना होता ताकि आपको सारी चीज़ें मैं समझा पाऊँ। तो HCG जो हार्मोन है वो हार्मोन देखो, ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी कोई प्रेग्नेंट महिला होती है, जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर को कैसे पता चल जाता है जो महिला है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होता है, HCG जो हार्मोन होता है वो टॉयलेट के साथ जो उनकी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। तो इसीलिए जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनका क्या टेस्ट करते हैं डॉक्टर, HCG टेस्ट करते हैं, HCG जो हार्मोन होता है वो टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, महिलाओं का टॉयलेट लेते हैं और टॉयलेट में ये देखते हैं कि भाई HCG हार्मोन है या नहीं है। अगर है HCG हार्मोन है तो इट मीन्स महिला क्या है, प्रेग्नेंट है। तो ये HCG हार्मोन किसका काम करता है, प्रेगनेंसी चेक करने का, ये प्रेगनेंसी टेस्ट करने का काम करता है HCG हार्मोन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, प्लेसेंटा जो टिश्यू है वहाँ से सीक्रेट होता है। ये जो दोनों हार्मोन्स है वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों हार्मोन कैसे हैं, ये आपके प्रोटीनियस हार्मोन है, ठीक है,
प्रोटीनियस हार्मोन है ये, इनको भी साथ के साथ नोट करते चलें, पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करें, ठीक है। और ये जो नीचे वाले जो ये दोनों हार्मोन से ये कैसे हैं आपके स्टेरॉयड हार्मोन है, कैसे हार्मोन है स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड। अब मैं बताऊंगी स्टेरॉयड हार्मोन्स का क्या मतलब है। जो भी हार्मोन्स फैटी एसिड से बने होते हैं, इट मीन्स वसा से बने होते हैं, उन हार्मोन्स को कहते हैं हम स्टेरॉयड हार्मोन। और जो हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं उनको कहते हैं हम प्रोटीनियस या पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। तो एससीजी हार्मोन और प्लेसेंटा लैक्टोजन जो हार्मोन है ये दोनों आपके प्रोटीनियस हार्मोन है, इस बात को आप याद रखें। अब ये प्लेसेंटा जो लैक्टोजन जो हार्मोन है इसका क्या फंक्शन है, ये आपकी जो महिलाएँ होती हैं, महिला की जो मेमरी ग्लैंड होती है, ठीक है, ब्रेस्ट साइज को कंट्रोल करती है और ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इट मीन्स मिल्क जो बनता है महिला के ब्रेस्ट के अंदर वो कौन से हार्मोन की वजह से बनता है, वो आपके प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन की वजह से बनता है, क्योंकि वो ओवेलीज होती है महिला की, जो ब्रेस्ट के अंदर ओवेलीज होती है, उन ओवेलीज में क्या होता है मिल्क जो स्टोर रहता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखें। देन देखते हैं हम, ये दोनों हार्मोन क्लियर हो गए। अब देखते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन हम पहले बता दिया, तो इसका क्या फंक्शन है, ये जो है महिला की जो यूटेरस होता है, यूटेरस की जो मसल्स होती है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या करता है कंट्रोल करने का काम करता है स्टेरॉयड हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की देखते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, महिला की जो प्रेगनेंसी टाइम में महिला को क्या करता है, ये न्यूट्रिशन पहुंचाता है, बच्चे को भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है क्या करता है न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है, ताकि इनके अंदर वीकनेस ना आ सके। और कोई भी अगर जो सेल्स या फॉलिकल्स अगर टूट जाती है या रैप्चर हो जाती है तो उसको भी रिपेयर कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है, ठीक है। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन जो पैदा होता है महिला की यूटरस के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, वो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। बात समझ में आई है, नहीं आई तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा था, इसमें एससीजी हार्मोन था, नोट कर ले साथ के साथ, ठीक है। अगर वीडियो में अगर थोड़ा लाइट कम आती है तो उसको भी मुझे आप कमेंट में करके बता सकती हो कि मतलब लाइट क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे वो मुझे आप कमेंट में, कोई भी क्वेरीज हो कमेंट में करके बता सकते हो। आई होप आपका जो ओवरीज है वो आज आपका जो है सारा जो है कवर हो गया, देन ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।